मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ जिसमें मोर्टल कॉम्बैट का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो मैंने वहाँ डिस्कस किया था कि अभी तक ऐसी कोई मूवी लाइव एक्शन मूवी या फिर कोई एनिमेटेड मूवी नहीं आई है जो मोर्टल कॉम्बैट की जो गेम है उसको सही से हमारे सामने पहचान बना सके मूवी के तौर पर। और जितनी भी लाइव एक्शन मूवी या फिर जितनी भी एनिमेटेड मूवी आई है वो सिर्फ बिलो द एवरेज ही मूवी रही है। आज के इस वीडियो में बात करूंगा मोर्टल कॉम्बैट 2021 में आई एक मूवी के बारे में। आप इसे HBO पर देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि ये मूवी किस चीज के ऊपर बेस्ड है तो मैं थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये मोर्टल कॉम्बैट की गेम है, बहुत ज्यादा फेमस गेम है, उसी के ऊपर बनाई हुई ये एक मूवी है। मोर्टल कॉम्बैट की जो गेम है वो बहुत ज्यादा फेमस है पूरी दुनिया के अंदर। PS4 और PS5 पर आप इसे खेल सकते हो। काफी ज्यादा टूर्नामेंट भी होते हैं इसके ऊपर, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। वो अलग बात है कि मेरे पास PlayStation नहीं है, मैं बस वीडियो देख देख कर काम चला लेता हूँ YouTube के ऊपर। खैर खैर, मैं अपना दुख लेकर यहाँ क्यों बैठ गया। इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल से शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि एक तरफ कुछ अच्छे लोग हैं, एक तरफ कुछ बुरे लोग हैं। जो अच्छे लोग हैं वो देश मतलब इस धरती की रक्षा करना चाहते हैं, और जो बुरे लोग हैं वो इस धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। और इनके बीच में एक टूर्नामेंट होता है, जिस टूर्नामेंट का होता है जिसका नाम होता है मोर्टल कॉम्बैट। जो इसको जीतेगा उसी का राज चलेगा। जो अच्छे लोग हैं वो इसको जीतते आ रहे हैं काफी टाइम से, अब बुरे लोग हैं वो जीतने की मतलब पहुंच चुके हैं जीतने के नजदीक। वो तो सबको पता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता। मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, ये एक मतलब जनरल डिजाइन जो है कॉमन सेंस है कि यार ऐसा नहीं होगा, तो इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है, गाली मत देना। इस मूवी के अब तक के मुझे VFX काफी अच्छे लगे। और जो इसकी एक एनिमेशन मूवी आई थी स्कॉर्पियन के नाम से, लेजेंड ऑफ स्कॉर्पियन ऐसा कुछ मूवी था, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, वो भी मूवी ठीक ठाक ही थी एनिमेटेड के तौर पर। लेकिन ये जो मूवी आई है, मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक की जितनी मैंने मोर्टल कॉम्बैट मूवी या एनिमेटेड मूवी देखी उससे थोड़ी बहुत अच्छी ये मूवी है। थोड़ी बहुत कहा है मैंने, इसके अंदर VFX मुझे काफी ज्यादा पसंद है, थोड़े बहुत फाइटिंग सीक्वेंस मुझे काफी अच्छे लगे। बाकी जो इसके अंदर जो स्टोरी है वो इतनी दमदार मुझे नहीं लगी। किसमें करेक्टर डेवलपमेंट इतना अच्छे से किया नहीं गया, इवन अच्छा गया बिल्कुल भी नहीं किया गया। कोई मर रहा है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। पर एक बात, इस मूवी में वॉयलेंस बहुत ज्यादा है जो एक अच्छी चीज है इस मूवी के लिए। क्योंकि जब आप मोर्टल कॉम्बैट गेम के बारे में अगर सर्च करें और उसके बारे में कोई वीडियो आप यूट्यूब पर देखते भी हो तो आप देखोगे कि वहां पर जो जिस तरीके से मारा जा रहा है अपने सामने वाले मतलब अपोनेंट को, बहुत बेरहमी से वो मार रहे हैं, किसी को काट रहे हैं, किसी का सर फोड़ रहे हैं, किसी का मतलब सर गर्दन को ही अलग कर दे रहे हैं। और चीर फाड़ बहुत अच्छे से दिखाई गई है उस गेम के अंदर भी, और सेम टू सेम इस मूवी के अंदर भी, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट थी इस मूवी के लिए। अगर आप उस गेम के ऊपर बना रहे हो तो उसको अच्छे से जस्टिफाई करना है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर होनी भी जरूरी, जो मुझे काफी अच्छी लगी। ये जो चीज थी मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन केवल इस चीज के ऊपर ये मूवी अच्छी नहीं हो जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस मूवी को अच्छा बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कहानी। लेकिन इसके अंदर कहानी इतनी अच्छी नहीं है, कहीं कहीं ऐसा लगेगा यार लैग हो रही है चीज, बोरिंग बोरिंग कर रही है सब चीजें, और ऐसा फील होता है। और कई कई बार तो ऐसा फाइटिंग सीक्वेंस आप देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यार ये जो चीज है वो थोड़ी चीप सी फीलिंग दे रहे हैं, और एक्चुअल में वो दे रहे होते हैं। ली क्विंग की जो फाइट हो रही होती है, ली क्विंग मैंने नाम तो सही से लिया होगा ना, खैर खैर देख लेना यार। ये कह सकता हूं कि इस बार की जो मोर्टल कॉम्बैट है उसने भी कुछ ऐसा नया कारनामा नहीं कर दिया कि जो मोर्टल कॉम्बैट जो गेम थी या गेम है उसको एक नई ऊंचाइयों पर लेके चली जाए। सेम टू सेम एक बिलो द एवरेज ही मूवी रही है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी की पूरी मूवी खराब है, काफी अच्छे सीन है। स्टार्टिंग में थोड़े बहुत जो एक फाइटिंग सीक्वेंस दिखाया गया दो इंसानों के बीच में, वो मुझे काफी पसंद आया। और उन्हीं का जो एक फाइटिंग सीक्वेंस जो स्टार्टिंग में था, लास्ट में भी उनकी फाइट होती है, कुछ अलग एक रूप में फाइटिंग होती है, वो इतना अच्छा नहीं लगा। बजाय उसके कि जिसमें स्कॉर्पियन अपने मुंह से आग निकाल कर सब जीरो को वो जला देता है, सिर्फ यही एक चीज मुझे पसंद आई, बाकी थोड़ा सा मुझे इतना पसंद नहीं आया। और जिनको भी मोर्टल कॉम्बैट गेम पसंद आई या वो उसके दीवाने हैं, जिन्होंने मेरी तरह यूट्यूब पर देख देख कर उनका दिल में ये ख्याल लगा लिए कि यार हम भी कभी खेलेंगे, तो आप ये मूवी वन टाइम वॉच ही कंसिडर कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आप इसको दोबारा से देखने की सोचेंगे। मैं अपना बताऊं, पर्सनली मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि इसको मैं दोबारा से देखूं। VFX सही लगे मुझे, लेकिन फाइटिंग सीक्वेंस थोड़े बहुत ही सही थे, बाकी के जो थे वो एवं ही थे यार। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 4.5/10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो रिव्यू आपने सुन ही लिया होगा, तो अपनी विवेक अपने बुद्धि का सही से यूज कर लेना और देख लेना। खैर, जो इसके दीवाने हैं वो तो वैसे भी देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।